हरा भरा पालक का सूप। इस मौसम में बहुत हेल्दी और पालक मिलती भी बहुत फ्रेश सी है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। फूडीज वेलकम। आज हम बनाएंगे पालक का सूप। तो इसके लिए एक बंच बड़ी वाली पालक की, मतलब बड़ी बंच पालक की लेके काट के और धो के रख ली है। यहाँ पर 3 मीडियम साइज के टमाटर हैं, 1 मीडियम साइज की गाजर है थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए, 1 आलू है भराव देने के लिए बड़ा वाला काट के रखा हुआ है। यहाँ पर 2 मीडियम साइज के प्याज है मेरे पास लंबे लंबे कटे हुए, 5 से 6 कलियां लहसुन और 1 हरी मिर्च। तो बनाना शुरू करते हैं हम। अभी यहाँ पे कुकर में देखिए 1 टीस्पून ऑयल डाला है और 1 टीस्पून जितना ही बटर डाल रहे हैं। गैस ऑन कर देंगे। ये देखिए बटर पिघल गया, तो अब हम इसमें 3 लौंग और 12 से 15 काली मिर्च के दाने डाल रहे हैं। दोनों हमने मिक्स कर दिए थे, इसमें 3 लौंग के दाने भी हैं, आपको दिख रहे होंगे लंबे लंबे वाले। इसको तड़कने देंगे अब। अब हम डाल रहे हैं इसमें गार्लिक। प्याज डाल देंगे और हरी मिर्च भी साथ में। नमक डाल देंगे थोड़ा सा। अच्छा पालक जो है वो खाली होती है, तो वैसे भी पालक में नमक कम डलता है, पर अभी जो हम खाली 1-2 पिंच डाल रहे हैं इसको कैरामलाइज करने के लिए, बाद में नमक डालेंगे उसके लिए। पर जस्ट ये है कि ध्यान रखिएगा पालक थोड़ी खाली होती है तो थोड़ा नमक उसको कम चाहिए होगा। अनियन ट्रांसलूसेंट हो गए, अब हम इसमें गाजर डाल देंगे। आलू भी डाल देंगे, पानी निकाल के आलू को। इसको 1-2 मिनट पकाएंगे, फिर बाकी का सामान डालेंगे। देखिए 1.5 से 2 मिनट हो गए, अब हम इसमें टमाटर डाल रहे हैं। पालक भी डाल देंगे। पालक थोड़ी सी बैठानी पड़ेगी क्योंकि देखने में काफी सारी है, बट ये जरा सी हो जाएगी धीरे धीरे गर्म होते होते, तो थोड़ी थोड़ी डाल के रुक के और उसको हम अंदर डालते जाएंगे। अभी जितनी डलेगी उतनी डाल देंगे।
ये देखिए भर गया तो थोड़ी सी नीचे बैठेगी, तो फिर हम और बाकी की पालक डाल देंगे। थोड़ा सा ढक के रख देंगे ताकि जल्दी से बैठ जाए। देखिए पालक कितनी बैठ गई, तो अब हम बाकी की पालक भी डाल देंगे। मिक्स कर देंगे इसको थोड़ा सा, और थोड़ा दोबारा बैठने का इंतजार करेंगे। पर अब नमक डाल देंगे हम, नमक डालने से भी बैठ जाती है पालक। ये स्वाद अनुसार नमक डाल दिया हमने। काली मिर्च डाल रहे हैं पाउडर आधा चम्मच। ओरिगेनो डाल रहे हैं, थोड़ा सा फ्लेवर अच्छा लगता है उससे। पार्सले भी डाल देंगे थोड़ा सा। दोनों तीन चौथाई चम्मच के करीब डाले हैं हमने। मिक्स कर देंगे अब इसको। देखिए पालक अपना पानी भी छोड़ने लगी नमक डालते ही। तीन चार मिनट इसको पकने देंगे हम, जब तक थोड़ा सा पानी इवेपोरेट नहीं हो जाता। पालक पक भी जाएगी और कच्चा कच्चा का टेस्ट भी नहीं आएगा। उसके बाद फिर हम पानी डालेंगे इसमें। अभी इस पानी को थोड़ा सूखने देते हैं और पालक को पकते देते हैं थोड़ा सा। तो तीन चार मिनट के बाद दोबारा आकर इसको देखेंगे। हो गया, तो अब हम पानी डाल रहे हैं इसमें। पालक भी थोड़ी पकी सी लग रही है अब। ये हमने 4.5 कप पानी डाला है। अच्छा, ये हम लोग जो सूप बनाते हैं वो हमारा 2-3 दिन का सूप होता है, तो इसीलिए पूरे में नहीं डालेंगे। लेकिन जब ये सूप पक जाएगा तो अपने लिए इंडिविजुअली जो सूप निकालेंगे हम, उसमें एक सूप के मग में 4-5 ड्रॉप जितना या आप मान लीजिए कि आधे चम्मच जितना लेमन जूस डालेंगे। तो आप भी उस हिसाब से ही लेमन जूस डालिएगा जब आप बनाएंगे। तो बंद कर रहे हैं 2 विसल देके और फिर 5 मिनट तक पकाएंगे इसको, और फिर इसको अपने आप डीप्रेशराइज होने देंगे। तो एक बार ये डीप्रेशराइज हो जाता है तो फिर निकाल के आपको दिखाएंगे और फिर इसको पीसेंगे। फूडीज, ये डीप्रेशराइज हो गया है। मैं इसको पूरी तरह से नहीं पर थोड़ा सा पानी इसका छानने वाली हूँ इस के अंदर, क्योंकि मेरे को इसको पीसना है। और पीसूंगी तो हैंड ब्लेंडर से ही, पर अगर इतना सारा पानी होगा तो ढंग से पिसेगा नहीं। तो थोड़ा सा पानी पहले मैं सेपरेट कर देती हूँ नीचे भगोने में। लीजिए, ये पानी मैंने देखिए अलग कर लिया। पानी इसमें भी है, देख सकते हैं आप।
बट कम कर दिया ताकि ये मसाला अच्छे से पिस जाए। तो मैं ये हैंड ब्लेंडर से इसको पीस देती हूँ। पूरा पीस के आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा क्योंकि ये काफी सारा है, थोड़ा थोड़ा बीच में मुझे पानी भी डालना पड़ सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से पीस गया है, तो मैं भगोने का पानी भी इसमें डाल के एक बार और इसको ब्लेंडर से घुमा दूंगी ताकि अच्छे से सारा मिक्स हो जाए। और उसके बाद फिर हम इसको सर्व करेंगे थोड़ा सा नींबू का रस डाल के। तो सर्व करते वक्त आपको दिखाऊंगी मैं डिश आउट करके। तो लीजिए फूडीज, हमारा हरा भरा पालक का सूप इज रेडी टू हैव। और इसके अंदर मैंने जैसे आपको कहा था, मैंने लाइम जूस डाल दिया था ये दो मग्स में, हाफ टीस्पून जितना। और अब हम इसको सर्व कर रहे हैं। एक चीज और बोलना चाहूंगी कि अगर आप लाइम जूस ना डालना पसंद करें तो आप थोड़ा सा मलाई फेट के या क्रीम भी डाल सकते हैं, उसके साथ भी बहुत टेस्टी लगेगा। तो बना के देखिए, पीजिए इसको और लाइक कीजिए वीडियो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।